आज हम जिस रिपोर्ट पे बात करेंगे ये कोई खबर नहीं है, ये एक मुहिम है प्लास्टिक के खिलाफ। 2 अक्टूबर से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें सिंगल यूज प्लास्टिक होता क्या है। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी ऐसा प्लास्टिक जिसे सिर्फ एक बार ही काम में लाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर डिस्पोजेबल प्लास्टिक जिसमें भंडारे में खाना दिया जाता है, ऐसा प्लास्टिक सिर्फ एक बार ही काम में आता है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण में प्लास्टिक प्रदूषण में सबसे बड़ी वजहों में से एक है। 15 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से पूरे देश से अपील की थी कि सिंगल यूज प्लास्टिक को अपने घरों व दफ्तरों से मुक्त करें। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पूरे देश में हर 60 मिनट में 6 करोड़ पानी की प्लास्टिक की बोतलें बेची जाती हैं। मान लीजिए आज आपने एक पानी की बोतल खरीदी और पीकर इसे फेंक दिया तो इसका 90% हिस्सा 27वीं या 28वीं सदी में जाकर नष्ट होगा, यानी करीब 450 से 500 साल लगेंगे। यानी जिस बोतल में कभी पानी पिया गया होगा वो बोतल आज भी मौजूद है। हिंद महासागर में प्लास्टिक का पहाड़ बन चुका है, जानवर मर रहे हैं, मछलियां, समुद्री जीव सभी मर रहे हैं। अब अगला नंबर आपका और हमारा होगा, तो आइए हम आप सब मिलकर प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाए जा रहे मुहिम का हिस्सा बने और अपने देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करें। सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें। सोचना आपको है कि आने वाली पीढ़ी को आप क्या देना चाहेंगे।